कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस को पुनः प्रदेश की नंबर वन पार्टी बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पहला क्रमांक होकर चौथे क्रमांक की पार्टी है, अब कांग्रेस पुनः नंबर वन पर होगी। इसके लिए पर्याप्त विधायकों को निर्वाचित करने का प्रयास होगा। पटोले ने दावा किया कि चूंकि प्रदेश में कांग्रेस विचारधारा के काफी लोग हैं, इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसी कड़ी में अब बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ चुके नेताओं की घर वापसी होगी। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बुधवार को नागपुर पहुंचे पटोले मीट द प्रेस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर दल अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को भी यह करने का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाते समय आलाकमान ने प्रदेश की टीम भी घोषित की है, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा में मोदी गडकरी फडणवीस गुट है। पटोले ने कहा कि अगर नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनारस के लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश देता है तो वे जरूर उन्हें वहां चुनौती देंगे। वैसे भी मोदी बनारस के नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश की महाविकास अघाड़ी सरकार ने विधान परिषद की 12 सीटों के लिए नाम तय कर उन्हें राज्यपाल को भेज दिए गए, लेकिन राज्यपाल ने मोदी अमित शाह के दबाव में नियुक्तियों को रोक रखा है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ न्यायालय की शरण लेने का फैसला किया है। पाहिलं की भाजपच्या मागच्या काळातल्या सरकारमध्ये ज्या काही चुका फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून झाल्यात त्या आम्ही सगळ्या आता जनतेसमोर मांडणार आहोत। देशातलं भाजपचं नरेंद्र मोदीचं सरकार जे आहे ते एकाधिकारीशाहीकडे ते हुकुमशाहीकडे वाटचाल करताय याचे दर्शन पत्रकारांपासून शेतकऱ्यांपासून सामान्य माणसापर्यंत त्याचं दर्शन हुकुमशाहीचं आपण सगळेजण बघतो आहे। प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में जो कल दिखाया है वो सब जनता समझती है और मुझे लगता है कि उन्हें भी अडवाणी जी के लिए आंसू बहाना चाहिए, उन्हें मुरली मनोहर जोशी जी के लिए भी आंसू बहाना चाहिए, हमारे गडकरी जी के लिए भी आंसू बहाना चाहिए। तो ये मगरमच्छ के आंसू वो समझ गए हैं और मुझे लगता है कि अब जनता इतनी भोली नहीं है। जो हमारे किसान नेता टिकैत जी जो 26 जनवरी के दिन जो जिस तरह से हुआ उनके आंसू आज भी लोग भूले नहीं। इनके आंसू तो लोग भूल जाते हैं कि ये नट सम्राट है, लेकिन टिकैत जी के आंसू देश का किसान नहीं भूला। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN News नागपुर।